आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि अवामी नुमाइंदों को असम्बली के अंदर से अगवा किया गया। हैरान कुन तौर पर IG इस्लामाबाद के बयान को स्पीकर के बयान पर फौकियत दी जा रही है। कहा, हुकूमत होश के नाखून ले, ये हुकूमत आइन कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी हुई है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी ना की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, कश्मीरी पाकिस्तान को देख कर मायूस हो रहे हैं। हैरान कुन तौर पर IG इस्लामाबाद के बयान को स्पीकर के बयान पर फौकियत दी जा रही है। कहा, हुकूमत होश के नाखून ले, ये हुकूमत आइन कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी हुई है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी ना की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, कश्मीरी पाकिस्तान को देख कर मायूस हो रहे हैं। हैरान कुन तौर पर IG इस्लामाबाद के बयान को स्पीकर के बयान पर फौकियत दी जा रही है। कहा, हुकूमत होश के नाखून ले, ये हुकूमत आइन कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी हुई है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी ना की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, कश्मीरी पाकिस्तान को देख कर मायूस हो रहे हैं। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग। दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com